और भाइयों, क्या हालचाल है? सब कुछ बढ़िया है? तो मुझे दो कमेंट आए सुबह से कि जी सर, आप बहुत ज़्यादा पठान के ऊपर वीडियो शीडियो बना रहे हो अभी, और बस मत करो। और कम से कम नहीं तो 50 ऐसे मैसेजेस भी आए, अलग अलग रिव्यूज़ पे आए कि यार आज पठान के ऊपर कुछ नहीं बनाया आपने, ये तो बड़ा गलत हो गया। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल के लिए एक अपडेट, जो क्रिटिकल अपडेट है, वो तो बता ही देते हैं। पठान में देर इज़ समथिंग टू वरी अबाउट एंड समथिंग विच इज़ नॉट ओके, तो जिसकी वजह से ज़्यादा कमेंट आए। पहले तो ये समझते हैं कि 63 करोड़ हुआ था वीकेंड के अंदर, संडे वाले दिन। फिर 27 हुआ, 23 हुआ, कल गिरते गिरते ये 19.5 हो गया। तो आप 63 से 19.5 की जर्नी देख रहे हैं। अगर आप वीकडेज की भी बात करें तो 27 था मंडे को, उसको गिर के ये 19.5 हो गया। आज के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो डे 9 का जो कलेक्शन है वो करीबन करीबन था 19.25, जिसकी वजह से 349 अचीव हो गया था कल तक, और 668 अचीव हो गया था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। आज हुआ है 16.5, ठीक है जी। तो 16.5 से लगभग लगभग 365 हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10 करोड़ रुपए और ऐड होगी लगभग लगभग बाहर से। तो ठीक ठाक बिजनेस होगा, लेकिन क्या ये सेटिस्फैक्टरी है? क्या देर इज समथिंग टू वरी? क्योंकि जो कलेक्शन है 60 से पहले 20 से नीचे आ जाना, फिर 16.5 आ जाना, मुझे लगता है ये ऑर्गेनिक बिहेवियर है। ये अभी भी इसकी पेस बाकी जितनी भी मूवीज़ हैं, चाहे वो बाहुबली हो, KGF हो, उससे ज़्यादा तेज़ चल रही है हिंदी सेगमेंट के अंदर। दूसरा, अभी सब लोग बहुत बिजी भी हैं, एग्जाम्स भी कई बच्चों के चल रहे हैं, उनकी तैयारी में भी लोग लगे हुए हैं। फ्राइडे में ये पिक होगा फॉर श्योर, सैटरडे संडे में और ज़्यादा पिक होगा। सरप्राइजिंगली आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि मेरी गट फीलिंग ये है कि 30-35 करोड़ रुपये पर डे सैटरडे संडे में भी आ सकता है। लोग बस वेट कर रहे हैं कि वीकेंड पे जाएंगे और उसको दोबारा से एंजॉय करेंगे। तो नथिंग टू वरी। जहाँ हम डे 9 की बात कर रहे हैं, तो हम डे 10 की भी बात कर लेते हैं। वो ज़रूरी है कि कल कितना बिजनेस आ सकता है। तो वो है करीबन करीबन 1.5 करोड़ रुपए की बुकिंग अभी तक, एडवांस बुकिंग। तो वो ट्रांसलेट मोटा मोटा हो रही है 12 करोड़ रुपए में। तो 12 करोड़ रुपए कल के दिख रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे में काफ़ी ज़्यादा पिकअप होने के चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल का दिन बिल्कुल सेम डिटो थर्सडे जैसा जाए, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, बट थिंग्स आर लुकिंग ब्राइट फ्रॉम द एक्साइटमेंट लेवल, और एक्साइटमेंट लेवल से ही गेज होता है कि कितना जंप आएगा। ये ट्रेड एनालिस्ट वगैरह को ज़्यादा पता होता है, उनका बहुत पॉजिटिव रुझान है। ये आप सिर्फ एडवांस नंबर्स देख के नहीं गेज कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना आप एस्टिमेट लगाते हैं एडवांस से कि इतना दिन का देखा, उससे ज़्यादा ही आता है। तो नथिंग टू वरी, स्टे काम। और ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा डिप देख के देर इज समथिंग टू वरी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट पठान विल टच 1000 करोर्स ग्रॉस। बाय बाय।